प्रकाश प्राप्त हो सके। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। To spread this light of love, knowledge and wisdom, I would like to invite our respected sisters to enlighten the lamp and allow us to have a happy beginning of today's program. माध्यम है
जिसके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से कर सकते हैं। कोई भी त्योहार हो, यदि कविता, गीत, नृत्य आदि का समावेश ना हो तो वो अधूरा सा लगता है। त्योहार तो त्योहार का आनंद। थर्ड ए से अनन्या धान को बुलाना चाहूंगी कविता प्रस्तुत करने के लिए। एक थे राजा राम, सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए थे वो चार। मिलजुल करके रहते थे उनमें था बहुत प्यार। एक रानी बड़ी सियानी, नाम था उसका सीता। छल से उसको उठा लिया, छल से उसको उठा लिया लंका के रावण ने। खूब रोया दिलाए बिचारी सीता। राजा राम को गुस्सा आया लंका के रावण पर। हनुमान की सेना लेकर चले लड़ाई पर। रावण हारा, राम की सेना ने खूब खुशी मना। घर घर में दिए जले और खूब बची मिठाई। आहा दिवाली आई, आहा दिवाली आई। नो प्लेबैक कर आज हैव अ ग्रेट दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। व्हाई डू वी सेलिब्रेट ऑल दिस? Many of us don't know the reasons behind this. So let's welcome our guests to tell us the importance of each and every day of Diwali. I want students from class 3, 4 and 5 to present a skit through which they will tell us why do we celebrate each day of Diwali. Okay, Baba. बेटा दिवाली का परसों है। तो पापा चार दिन की छुट्टियां क्यों पड़ी? बेटा दिवाली की हर एक छुट्टियों का अपना एक महत्व है। तो पापा कल क्या है? बेटा आज तो धनतेरस है। पापा धनतेरस क्या होता है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके पापा। बात है, एक भीमा नाम के राजा थे, उनका एक पुत्र था। उनके पुत्र के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि शादी के चौथे दिन सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब उनका पुत्र विवाह योग्य हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को जंगल में भेज दिया ताकि वह किसी स्त्री से ना मिल पाए और उसकी शादी ना हो। एक दिन राजकुमार जंगल में बैठे रो रहा था। वहीं पास में समीक्षा नाम की एक लड़की फूल तोड़ रही थी। जब उसने राजकुमार को रोते हुए देखा तो उनके पास गई और बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? मैं एक राजकुमार हूँ, किंतु मेरे पिता ने मुझे जंगल भेज दिया ताकि मेरा विवाह ना हो सके। क्यों? क्योंकि विवाह के 4 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे विवाह करूंगा। ठीक है। शादी के 3 दिन गुजर गए, लेकिन शादी के 4th दिन की रात को, आज हमारी शादी की 4th दिन है, लेकिन आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है। सबने घर के सारे बर्तन और गहनों को एक ढेर में रख दिया। ये तुम घर के द्वार पर गहनों और बर्तनों का ढेर क्यों लगा रही हो? आप बस देखते जाइए, बस आज की रात आप सोइएगा मत। आज की रात मैं आपको कहानी और गीत सुनाऊंगी। ठीक है। वही रात को यम भगवान सांप का रूप धारण करके आए। ये चमक कहाँ से आ रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो जाऊंगा। ये क्या, मैं अंधा हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात भर यम देवता उस ढेर के पास बैठे रहे और समीक्षा के गाने और कहानियां सुनते रहे। देखा कैसे समीक्षा ने अपनी सूझबूझ से
आदि अपने घर के बर्तनों और गहनों का इस्तेमाल करके अपने पति की जान बचा ली। तब से हम इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाते हैं तथा इस दिन देव के नाम का दिया घर के दूर जलाया जाता है। ये लो बेटा, ये बर्तन तो मंदिर में रखाओ। मम्मा ये क्यों? बेटा आज धनतेरस है ना, आज हम इनकी पूजा करेंगे। ओके मम्मा। हाँ बेटा, कल छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली के और भी नाम होते हैं, जैसे नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और काली चौदस। मम्मा नरक चतुर्दशी क्या होता है? इस दिन नरकासुर का वध हुआ था। मम्मा नरकासुर मेरा से कौन है? चलो मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ। ओके मम्मा। नरकासुर भगवान विष्णु के विरह अवतार और भूमि के पुत्र था। इस पुत्र के अंदर दैत्य शक्ति का अंश है, अतः इसका जीवन रहना नहीं है। स्वामी नहीं, ये तो आपका ही मनुष्य है। कृपया करके इसको कुछ मत कीजिए, कृपया करके इसको एक जीवन दान दीजिए। मैं ये देता हूँ कि इसकी मृत्यु तुम्हारे अलावा किसी और के हाथों नहीं होगी। नहीं, मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं इसको कैसे मार सकती हूँ? अब मेरा पुत्र तो अमर हो गया। भगवान ने जन जीवन जीते थे। चलो बहन पानी भरने चलते हैं। हाँ चलते हैं। We get long school holiday to celebrate this festival season and this
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे बच्चे सच्चे जगे की मुझिया रे पानी के झूठे रात जले सुबह टूटे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे बच्चे सच्चे जगे की मुझिया रे पानी के झूठे रात जले रक्षा भी करता है। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने जल की इतनी वर्षा करवाई कि बाढ़ आ गई। श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया और लोगों की रक्षा की। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी
पूरी कर देते हैं। जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाएगा और भोजन करेगा, वो मेरी परछाई से दूर रहेगा और उसकी लंबी उम्र होगी। ठीक है, धन्यवाद। बेटा, अब तुम्हें समझ आ गया दिवाली के 500 दिन का रहस्य? हाँ मम्मा, मुझे समझ आ गया और मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। धन्यवाद। Why do we celebrate Diwali in 5-day series? Now we understood the importance of each and every day. छोटे छोटे दीप जले, आया दिवाली का त्योहार। छोटे छोटे दीप जले, आया दिवाली का त्योहार। छोटे छोटे फूल खिले, बना गले का हार। छोटे छोटे स्वर मिले, बने शब्द अपार। छोटे छोटे स्वर मिले, बने शब्द अपार। छोटे छोटे बच्चों के कंठ में, छोटे छोटे बच्चों के कंठ में सरस्वती का वास। आओ सुने गीत जो भर दे मन में अपार उल्लास। तो आइए सुनते हैं इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से एक सुंदर गीत प्रस्तुति। Happy Diwali! Happy Diwali!
they can illuminate the world. A very good morning to everyone present here, respected Sister Principal, Sister Manager, dear teachers, and the lovely students. Festival helps us to keep connection with our roots, cultures, and body. They help us to forget and begin, embrace one another, create bond of love, and an environment of cultural harmony. Among all, one of the most important festivals is Diwali. We all know why we celebrate Diwali. Diwali means rose of lighted lamps. It is the festival of light. We all light up our houses with diyas, rangolis, and distribute sweets. Worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi for wisdom and wealth. So, the main reason to celebrate Diwali is returning of Lord Rama to Ayodhya after defeating Ravan, the demon king of Lanka. When Sri Ram returned to Ayodhya after 14 years, their folks of Ayodhya welcomed their king, his wife Sita, and Lakshman with lighting up their houses with diyas. Diwali celebrations may vary in different communities, but the significance and the spiritual meaning is generally the awareness of the inner light. Diwali is the festival. It symbolizes the victory of righteousness. It is a way to spread love, to throw out hatred from our hearts, and to make our relationship stronger. आओ फिर से दिया जलाए भरे दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा बुझी हुई बाती सुलगाए आओ फिर से दिया जलाए विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे उसको अधूरा अधूरा सा लग रहा है क्यों बच्चों कुछ मिसिंग है ना अरे मैम दिवाली सेलिब्रेशन भांगड़े का तड़का तो लगा ही नहीं फिर कैसे कंप्लीट होगा हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं तो फिर ज्यादा सोचना क्या जब हमारे पास इतने टैलेंटेड बच्चे हैं तो इंतजार किस बात का लेट्स वेलकम क्लास टू किड्स टू ब्रेक द स्टेज तो तालियों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का हार्दिक स्वागत करें सब्सक्राइब करो टी सीरीज Oh,
ਕੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਨ ਕੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾ ਹਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, इन स्टेज पे थिरक कर चार चांद लगा दिया। इन मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सच, इन छोटे छोटे बच्चों ने इस डांस की प्रस्तुति से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। It is very hot sunlight today, no? All are feeling hot, I suppose. I would like to thank everyone to give your precious time here in this hot, bright sunlight. I would like to convey a very special thanks to all our respected sister manager, sister principal, and all the sisters present here. Now, at the last but not the least, we are excited to hear some words by our dear sister principal. So I kindly request the sister, Reverend Sister Jissy, to come over the stage and enlighten us with her words. Good morning to our Reverend Sister Elizabeth, the manager of the school, Sister Jissy, Sister Mariana, Sister Lee, and all my loving teachers and dear students, and I'm sure all are very happy today. Yes. Yes. I can see the sparkle on your face. Yesterday when I said we'll be having the Diwali celebration today, and almost all were happy, and today is the culmination of that. All are happy to celebrate. Yes. And I'm sure Diwali is the biggest, beautiful, meaningful and the brightest festival you celebrate in your life, right? It comes only once in a year and you celebrate with great pomp and show, right? Yes? Yes. And teachers invited me to give a message, and I don't think I need to give because the class 1 to 5 children have already presented a message to all of you. What about this Dhanthera festival, Choti Diwali, Badi Diwali, Bhaiya Dooj and Govardhan Puja? They have done very clearly. But adding to that, I would like to give you a small message in which you will be able to understand, hopefully, okay, the meaning of the festival Deepavali. Here, very clearly, Miss Priya also said, Diwali is the celebration when we light the lamps in our homes and illumine every way, right? The light will illumine every way. Yes? And secondly said, you will enjoy eating the sweets. Yes? Yes. You are being called to bring sweetness and happiness to the lives of another one. So you are the light of the house and you are the sweet of the house both. And again, adding to that one more. This festival unites everyone. Neither the caste, creed, religion, but everyone celebrates this faith festival in a great pomp and show. Right? Unites people, everyone, and brings the prosperity, happiness and the joy to every one of us. And that rejuvenates our whole selves. And finally, bringing forth 3 points. When we celebrate this Diwali, we need to come out of all our bad things. Right? Good from bad. Light from darkness. And knowledge from ignorance. These 3 things we need to cultivate
in our day-to-day life, then I'm sure this celebration of Diwali will be a great, meaningful and bring great impact to each one of us. Right? Victory over evil. We all of us have so many bad things within us. We get angry, we are insincere, we are impatient, we use bad words and bring unhappiness to others. Right? We need to rise above all those and bring joy and happiness and prosperity with our own lives, then I am sure we will be able to celebrate this festival in a great and meaningful way. Therefore, I wish you all, including everyone, teachers, non-teaching staff, as well as my dear students, wish you all a very happy Deepavali. You enjoy, but at the same time, take care of yourself. Right? You celebrate in your house in a meaningful way so that all will be safe and sound in your house and in your surroundings. Create a peaceful and a healthy atmosphere wherever you are. Then it will be a great, meaningful celebration you will be having. So once again, thanking the students of class 1 to 5 and the students for putting forth a meaningful program on this day to magnify and to reach the culmination of the celebration. Thank you, dear teachers and the students. And once again, wish you all a very happy, very feast of Deepavali. So may God bless you all and enjoy the holidays. And we'll meet you again on next Monday. You are having 4 days holiday, right? Enjoy. God bless you. Gift on Diwali, 4 days holidays. Diwali falls just on one Amavas night, but every day we can celebrate our inner light. At the end, I would like to wish you all a happy and prosperous Diwali. May you realize the spark in you and find your inner light. Happy Diwali, students! So, इसी के साथ सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. Thank you.